आधुनिक कला व प्राचीन कला में यह एक महत्वपूर्ण अंतर है कि प्राचीन कलाकार अपनी कला के ध्येय के निर्णय के लिए धर्माधिकारियों, राजाओं व सामाजिक आवश्यकताओं पर निर्भर रहते थे, जबकि आधुनिक कलाकारों ने अपनी कला के ध्येय को निश्चित करने का अधिकार अपने हाथ में ले लिया। चित्रकला में जिस समय प्रभाववाद का उदय हो रहा था, समकालीन साहित्य प्रभाववाद की ओर विकासशील था। दोनों ने विषय के महत्व को ठुकरा दिया था। साहित्य में लेखक किसी वास्तविक किंतु बिल्कुल मामूली दैनंदिन प्रसंग को लेकर लेखन शैली से उसको प्रभावपूर्ण बनाते थे, तो चित्रकला में चित्रकार किसी भी साधारण दृश्य जैसे कि कोने में अस्त व्यस्त पड़ी वस्तुएं, स्वाभाविक अवस्था में बैठा हुआ सामान्य आदमी वगैरह को लेकर चित्रण करते थे। उनका मूल सिद्धांत यह था कि चराचर सृष्टि के दृश्य घटनाएं, प्रसंग सौंदर्य से ओतप्रोत हैं और कलाकृति के निर्माण के लिए किसी काल्पनिक या महत्वपूर्ण विषय के होने की आवश्यकता नहीं है। भावनाओं की जागृति प्रत्यक्ष रूप से कलाकार की मानसिक अवस्था से संबंध रखती है, विषय से नहीं। संक्षेप में, समस्त सृष्टि को विषय के रूप में स्वीकार कर कलाकार अधिक सौंदर्यवादी एवं आत्मकेंद्रित हो गया था। एडोर माने वह प्रभाववाद का बीजारोपण। आधुनिक चित्रकला के इतिहास में 1863 का वर्ष बड़ा महत्वपूर्ण रहा। इस वर्ष पेरिस में अस्वीकृत चित्रों की प्रदर्शनी आयोजित हुई, जिसमें प्रदर्शित एडोर माने का चित्र तृण पर भोजन की कटु आलोचना हुई। 1863 की राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी में, जिसमें परंपरागत विचारों के निर्णायकों का बहुमत था, 4000 से भी अधिक चित्र अस्वीकृत हुए। अस्वीकृत चित्रकारों ने कोलाहल मचाया और राजा ने मध्यस्थता करके इन चित्रकारों के चित्रों की स्वतंत्र प्रदर्शनी कराने का आदेश दिया। यह प्रदर्शनी चित्रकला के इतिहास में अस्वीकृत चित्रकारों की प्रदर्शनी के नाम से प्रसिद्ध हुई। माने का जन्म 1832 में एक सधन परिवार में हुआ था। उनके पिता न्यायाधीश थे। बचपन से ही एडोर चित्रकार बनना चाहते थे और माता पिता से कहते कि इस विचार में यदि वे उनको अनुमति नहीं देंगे तो वे समुद्री यात्रा में शामिल होकर कहीं चले जाएंगे। माने के प्रभाववादी अनुयायी बाह्य स्थानों पर जाकर प्राकृतिक दृश्यों को प्रत्यक्ष देखकर विशुद्ध रंगों में चित्रित करते थे। माने दरिद्र कलाकारों की सहायता करते और मोने की विपन्न अवस्था में उन्होंने काफ़ी मदद की। माने कला को परिवर्तनशील मानते थे। वह नवीन प्रयोगों में उत्सुकता से भाग लेते, किंतु उन्होंने कला की उपयुक्त विद्यमान मर्यादाओं का उल्लंघन नहीं किया। इस विचार से माने यथार्थवाद व प्रभाववाद के बीच की कड़ी थे। 1873 में बनाया हुआ माने का चित्र अच्छी बियर राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी में स्वीकृत हुआ। माने ने अपनी शैली में कोई परिवर्तन नहीं किया था, परंतु यह चित्र लोगों को बहुत पसंद आया। आने वाले 2 सालों में माने के 3 चित्र फिर अस्वीकृत हुए। 2 साल पश्चात माने का सुविख्यात चित्र ओलंपिया फ्रेंच राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी में दिखाया गया। यह चित्र इतना विस्फोटक रहा कि कला मंत्रालय ने चित्र की रक्षा के लिए सिपाही की नियुक्ति की। स्त्री शरीर का मोहक सौंदर्य चित्र का विषय था और सौंदर्य अनुभूति माने की कला का प्रमुख लक्ष्य होने के कारण विषय प्रतिपादन के विचार से भी चित्र प्रभावी बन गया है। माने की रंगांकन पद्धति में एक नवीनता थी। वे रंगों के हल्के व गहरे रंगों के क्षेत्रों को स्पष्टता से पृथक अंकित करते। हल्के क्षेत्र को क्रमशः गहरे क्षेत्र में परिवर्तित करने की परंपरागत पद्धति को उन्होंने तोड़ दिया।
उन्होंने परंपरागत विषयों को छोड़कर दैनंदिन जीवन को विषय के रूप में चुना और कल्पना से चित्रण करने के बजाय प्रत्यक्ष देखकर चित्रण करना आरंभ किया। ओलंपिया देवता के चित्रण के लिए उन्होंने किसी स्त्री को मॉडल के रूप में बिठाया तथा ट्रेन पर भोजन में अपने मित्र व एक स्त्री मॉडल को देखकर मानवाकृतियां चित्रित की। पौराणिक कथाओं पर आधारित होते हुए दोनों चित्रों के विषय समकालीन दैनंदिन जीवन के प्रसंग हैं। इससे माने ने सिद्ध किया कि प्राचीन कल्पनाओं को लेकर आधुनिक विषयों द्वारा समकालीन जीवन का सजीव चित्रण किया जा सकता है। क्लोड मोने प्रभाववाद आशावादी भौतिकवाद का ही एक रूप है। प्रभाववाद के सिद्धांतों को चरम सीमा तक प्रयोगान्वित करके उनको चित्रकार के लिए उपयुक्त सिद्ध करने का कार्य मोने ने किया। वे प्रभाववादियों के नेता थे और अंत तक प्रभाववाद में निष्ठावान रहे। क्लोद मोने के पिता पंसारी थे और उन्होंने क्लोद की चित्रकार बनने की इच्छा का विरोध किया था। बचपन में ही क्लोद अपनी शालेय अभ्यास पुस्तिकाओं में रेखा चित्र बनाने में रुचि लेने लगे थे। उम्र के 16वें साल तक वे व्यंग्य चित्रकार के रूप में प्रसिद्ध हुए और उनको 25 फ्रांक प्रति चित्र के मूल्य से बहुत काम मिलने लगा। धीरे धीरे प्राकृतिक सौंदर्य ने उनको अपनी ओर ऐसे आकृष्ट किया कि वे अंत तक प्रकृति के पागल पुजारी बने रहे। 1859 में जब वे पेरिस गए तब उनकी प्रकृति चित्रण के प्रति रुचि काफ़ी बढ़ गई थी। 1862 में मोने वापस पेरिस आकर ग्लियर की चित्रशाला में प्रविष्ट हुए। वहां उनका बाजिए से परिचय हुआ जो वैतिकी के साथ चित्रकला का भी अध्ययन कर रहे थे। अस्वीकृत चित्रकारों की प्रदर्शनी के दूसरे साल ग्लेयर ने अपनी चित्रशाला बंद की और मोने पूर्ण स्वतंत्र होकर चित्रण करने लगी। मार्टिन ने कलाविथिका में आयोजित माने की प्रदर्शनी को देखकर मोने बहुत प्रभावित हुए। मोने ने अविश्रांत परिश्रम करके प्रभाववाद को 19वीं शताब्दी की सबसे महत्वपूर्ण व क्रांतिकारी कला शैली का स्थान प्राप्त करवाया। उन्होंने रंगों के स्वाभाविक सौंदर्य की रक्षा करके उसके द्वारा नैसर्गिक प्रकाश व अवकाश के परिणाम को चित्रित किया और रूढ़िवत छाया प्रकाश के परिणाम को चित्रकला से हटा दिया। मोने व उनके प्रभाववादी अनुयायियों ने सूर्य के प्रकाश को सब जगह देखा और उसके चंचल प्रभाव को अपने चित्रों का विषय बनाया। ये सब चित्रकार चित्रण के लिए बगीचा, रेलवे स्टेशन, नदी का किनारा, उपहार गृह, घुड़दौड़ के मैदान, नाटक गृह आदि स्थानों पर जाते। वे जीवन से प्यार करते, जहाँ भी देखते सौंदर्य का अनुभव करते और उनको चित्रण योग्य विषय मिल जाता। मोने ने पेरिस, लंदन व वेनिस के शहरी दृश्यों को चित्रित किया है, किंतु मैदानों, नदी किनारों व उपवनों के दृश्य उनको विशेष प्रिय थे। कार्य कक्ष में बैठकर चित्रण करना उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं था और वे कहते, मेरे पास कोई कार्य कक्ष नहीं है एवं मेरी समझ में यह नहीं आता कि कमरे में बंद होकर चित्रकार क्यों काम करना चाहता है। पूर्विल की पहाड़ी के उतार चढ़ाव, जीर्वनी का बगीचा, सेन नदी का शिकारा, आतिम के ताड़ वृक्षों की छाया, ये सब मोने के कार्यकक्ष थे। मोने के चित्रों से प्रभाववाद का अध्ययन करना सबसे सरल व लाभदायक है, क्योंकि उन्होंने प्रभाववादी सिद्धांतों का जितनी एक निष्ठा से पालन किया है उतना और किसी चित्रकार ने नहीं किया। एडगर डेगा प्रभाववादी चित्रकारों में। डेगा एक ऐसे चित्रकार थे जो प्रभाववाद के कुछ सिद्धांतों से सहमत नहीं थे। कला में क्रांतिकारी परिवर्तन करने के ध्येय से प्रेरित होते हुए इन्होंने कला के परंपरागत अच्छे आदर्शों का निष्ठा से पालन किया। डेगा की कला अनुशासनपूर्ण है।
कलाकार के रूप में भी उनका व्यक्तित्व श्रेष्ठ व स्वतंत्र था, जो उनकी बुद्धिमता, व्यवहार व कला निर्मिति से स्पष्ट दिखाई देता है। प्रभाववादी चित्रकारों में देगा की कला प्रत्यक्ष रूप से स्वाभाविक किंतु अभ्यासपूर्ण, बाह्य दर्शन से सरल किंतु रचना में जटिल, भाव में स्पष्ट किंतु चिंतनशील है। रेखांकन में संयोजन के विचारों से वे प्रभाववादी चित्रकारों में सर्वश्रेष्ठ व संसार के महान चित्रकारों में से एक हैं। देगा ही एक ऐसे प्रभाववादी चित्रकार हैं जिनकी चित्रित मानवाकृतियाँ व्यक्तित्व लिए हुए हैं। उनकी चित्रित धोबीने, वेश्याएं, नौकरानियाँ, स्वेच्छाचारी मनुष्य एवं लिपिक आदि व्यक्ति अपने व्यवसाय व स्वभाव विशेषताओं, आंतरिक भावनाओं व सामाजिक स्तर को स्पष्ट रूप से व्यक्त करते हैं। देगा का जन्म 1834 में एक सधन परिवार में हुआ था। उनके पिता बैंकर थे, वह देगा को भी उसी व्यवसाय में लगाना चाहते थे, किंतु बचपन में ही देगा अभ्यास पुस्तिकाओं में रेखा चित्र बनाते वे बड़े होकर चित्रकार बनना चाहते थे। अंत में अनुमति देकर पिता ने उनको अंग्र के शिष्य लुई लामोद की चित्रशाला में प्रविष्ट कराया। बाह्य सौंदर्य के आकर्षण से वे प्रभाववाद के निकट आ गए, किंतु जीवन के कठोर सत्य को चित्रित करने के उद्देश्य से वे उससे पृथक रहे। उन्होंने यथार्थवादी शैली के कुछ चित्र बनाए, परंतु तुरंत ही उन्होंने अपना ध्यान उससे हटाकर व्यक्ति चित्रण पर केंद्रित किया। देगा एक श्रेष्ठ व्यक्ति चित्रकार थे और अपने आरंभिक व्यक्ति चित्रों में भी उन्होंने मानव स्वभाव की विशेषताओं व आंतरिक गुणों को परिणामकारक ढंग से व्यक्त किया है। व्यक्ति चित्र बनाने से पूर्व देगा व्यक्ति को देखकर कई रेखा चित्र बनाते व तत्पश्चात उसकी सहायता से स्मृति से अंतिम व्यक्ति चित्र को पूर्ण करते। चित्र बनाने से पहले देगा नृत्य गृहों, नाटक गृहों या अन्य चित्रण योग्य स्थानों पर जाकर सूक्ष्म निरीक्षण करके अभ्यास चित्र बनाते और पश्चात संयोजन में सरलीकरण करके लयबद्ध रेखाओं से सजीव व स्वाभाविक रूप देकर चित्र को अंतिम रूप देते थे। नृत्य गृहों में उनको नवीन ढंग से संयोजन करने के लिए समुचित वातावरण व अनोखा कृत्रिम प्रकाश मिलता, जो उनको विशेष पसंद था। उनकी नर्तकियों के चित्र स्वाभाविक वातावरण व गतित्व से सजीव एवं आदर्श आकार व लय से सुडोल बन गए। देगा किसी भौतिक महत्वाकांक्षा से प्रेरित चित्रकार नहीं थे। उनका ध्येय था निजी कला का पूर्ण विकास। वह इस ध्येय की प्राप्ति के लिए वे जीवन के उत्तर काल में अधिक एकांत प्रिय बन गए और अपने इन्हें गिने मित्रों में से वे बहुत कम संपर्क रखते। एक प्रभाववाद की चर्चा थी और टॉप था, और ये आगे भी इसके बाद देखाता हूँ मैं। ये पूरा होते आज। नमस्ते।